हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा एनिम लेके आया हूँ जो कि हमें डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है तो उनको ये लगता है कि हम बास्केटबॉल के लिए बने ही नहीं हैं, हम लोग बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि ये एनिम भाई उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल एनिम है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सोरा कुरुमतानी, उसकी हाइट भी बहुत छोटी होती है, मतलब नॉर्मल लोगों से छोटी हाइट होती है। तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो एक नेशनल प्लेयर रह चुकी होती हैं, तो वो अपने बच्चे को ऐसा ट्रेन करती हैं कि वो जो है 3 शॉट्स मारता है। अब आपको पता है जिसकी हाइट लंबी होती है वो तो डंक यूज़ करता है, पर जिनकी हाइट छोटी होती है उसकी मम्मी उसे जो है 3 पॉइंट शूट करना सिखाती है। तो अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कुजुरियो हाई स्कूल नामक एक वहाँ पे एडमिशन लेता है और जो बास्केटबॉल जो क्लब होता है वहाँ पे जाता है और अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। तो जो टीम का कैप्टन होता है जिसका नाम होता है मोमोहारू होनाजोनो, तो वो करता क्या है, बोलता है कि यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, अपने घर जाओ बच्चे, आराम करो। तो जो सोरा होता है वो क्या करता है, मोमोहारू को चैलेंज कर देता है, बोलता है अगर मैं हार गया तो मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो अब होता है मोमोहारू वर्सेस, वैसे मोमोहारू के साथ 2 बंदे और होते हैं, वो भी बास्केटबॉल टीम में होते हैं, पर वो भी क्या करते हैं, वो थोड़े चीटर टाइप के होते हैं। तो अब जो है मोमोहारू वर्सेस सोरा का मैच चलता है और सोरा मैच को बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से जीत लेता है। तो अब होता क्या है, जो मोमोहारू होता है वो देख के थोड़ा सा वो डेडिकेटेड हो जाता है कि अब मैं भी बास्केटबॉल फिर द्वारा खेलना शुरू करूँगा, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये लोग हार चुके होते हैं कई बार, तो इनका जो मोरल होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है और इनका खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पर सोरा को देख के इसके अंदर फिर द्वारा सा जोश जागता है और ये खेलना शुरू होता है। तो अब होता क्या है, मोमोहारू सोरा और 3 प्लेयर और होते हैं, तो इनका जो है टीम से प्रैक्टिस मैच लगा हुआ होता है जिसमें सोरा की टीम को या फिर बोला जाता है मोमोहारू टीम को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है खेलने में, क्योंकि जो सामने टीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। तो जो मोमोहारू का भाई होता है जिसका नाम होता है चिक्की, वो आता है मैदान में और भाई एकदम जो पासिस होते हैं भाई वो एक अलग ही स्तर के पासिस करता है चिक्की। लेकिन जब चिक्की आता है तो क्या होता है, वो 4th सेट चल रहा होता है और जो मोमोहारू की टीम होती है वो हार जाती है। अब ज़रूरत पड़ती है कुछ अच्छे प्लेयरों की, तो इनकी मुलाकात होती है किससे, केंजी नाटसुमे से। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बंदा होता है, तो मोमोहारू कहता है कि मैं टीम ज्वाइन कर लो, पर वो सबको पीटता है पहले, तो खूब लड़ाई होती है, खूब जंग होती है। लेकिन वही है कि सोरा उसे जैसे तैसे करके अपनी टीम में क्या करता है, आओ ज्वाइन कर लो, और उसे ज्वाइन करवा देता है। इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का फिर द्वारा एक जो प्रैक्टिस मैच होता है एक टीम से लगता है और उस टीम से भी जो सोरा होते हैं भाई ये 2 पॉइंट से हार जाते हैं। मोमोहारू की टीम 2 पॉइंट से हार जाती है, इनका मोरल फिर द्वारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि यार हम लोग फिर द्वारा हार गए। फिर क्या होता है कि स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होता है, मतलब एक फेस्टिवल टाइप का होता है, जिस दिन जिस प्लेयर का जो मन करता है स्पोर्ट खेलने का वो खेल सकता है और उसके अगेंस्ट भी प्लेयर बहुत सारे होंगे। तो इनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है कनामे शिगयोशी, और ये बंदे की हाइट होती है 2 मीटर और ये हुक शॉट मारता है। भाई इसको देख के सब लोग खुश जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे टीम में जो है ज्वाइन करवा लें, पर एक दिक्कत होती है और वो दिक्कत ये होती है कि इसके पास होता है लैक ऑफ स्टेमिना, बंदे के पास बिल्कुल स्टेमिना नहीं होता है। अगर ये 1 सेट खेल ले तो ये 2 सेट आराम करेगा। तो भाई अब टीम तो बन जाती है, अब अच्छे प्लेयर भी हो जाते हैं, पर लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है और जो स्टेमिना होता है इन लोगों का वो बिल्कुल लो होता है। तो इनको एक कोच मिलती है जिसका नाम होता है ननाओ। ननाओ इनको भाई पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल देती है, डाइट प्लान करती है, सब कुछ ट्रेन करवाती है, और फिर ये लोग जाते हैं इंटर हाई में, और इंटर हाई में ये अपना पहला मैच खेलते हैं और वो भी ये लोग हार जाते हैं। और जो अपना सोरा होता है दोस्तों, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो होता है ना कि यार चोट लगती है कि यार इंटर हाई में गए, पहला मैच ही हार गए, और इधर जो इसकी मम्मी होती है उसकी तबीयत ख़राब होती है बहुत दिनों से और इसकी मम्मी की डेथ भी हो जाती है। ये एनिम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा औसम है, मैं कहूँगा आप इसे देखो यार, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जाने से पहले ये एनिम वेडनेसडे को आता है और ये आता है दोस्तों क्या बोलते हैं दोपहर में 2:55 पे आता है, तो देखना ना भूले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए, बाय बाय।